हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देव ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोग चैन रूल को स्टडी कर रहे थे एंड इन दिस वीडियो वी विल आल्सो कंटिन्यू दिस सेम। हम लोग चैन रूल का ही कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, बट उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो, क्योंकि सारा कंसेप्ट जो मेन कंसेप्ट था चैन रूल का वो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि चैन रूल आपको कब लगाना है डिफ्रेंसिएशन के तहत। जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो पार्टिकुलरली किस क्वेश्चन में चैन रूल लगाना है आपको कहां से पता चलेगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो देन प्लीज गो थ्रू दोस वीडियो आल्सो, बिकॉज वो सारा कंसेप्ट आपका बनाएगा, और जब तक कंसेप्ट ना बनेगा तब तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास में जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था, ये सेकंड पोर्शन है एंड आई होप आपने फर्स्ट वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग चैन रूल के अंतर्गत बना रहे थे वो था y इक्वल टू रूट अंडर 3x + 8। तो हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, पावर का फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है मैंने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर रूट अंडर x है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2, अगर क्यूब रूट एक्स है तो एक्स का पावर 1/3, अगर रूट अंडर फोर्थ रूट एक्स है तो एक्स का पावर 1/4, अगर nth रूट ऑफ एक्स है तो उसको लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/n। फिर दूसरा कंसेप्ट इसी के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर का पावर रूट अंडर 4 दे दे तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का पावर जो रूट अंडर 4 है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/4, तो 2 × 1/4 तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह सेवंथ रूट ऑफ एक्स क्यूब दे दे तो एक्स का पावर तो अभी 3 है, उसका पावर क्या हो जाएगा 1/7, तो 3 × 1/7 क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3/7। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपको जाननी होगी अगर आप इन सारे क्वेश्चन को बनाना चाहते हो तो, अगर नहीं तो बहुत ही समस्या होना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं और जो नया कंसेप्ट उसमें आएगा उसको देखने का कोशिश करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है y बराबर रूट अंडर 2x + x²। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर को पावर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे रूट अंडर है तो पावर इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x + x² का पावर 1/2। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि जब भी एक से ज्यादा टर्म रहे और उसका पावर एक छुड़ा के कुछ भी रहे तो आपको क्या करना है, चैन रूल लगाना। तो यहाँ पे भी चैन रूल लग गया, तो हम लोग कैसे dy/dx यहाँ पे निकालते हैं, तो dy/dx बराबर, तो इसको हम लोग इंडिविजुअली जैसे पावर सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन में कैसे करते हैं, सबसे पहले पावर को बाहर लाते हैं, तो पावर यहाँ पे क्या 1/2 बाहर लाए और जिसका पावर है उसमें एक घटा देते हैं जितना पावर है। फॉर्मूला याद करिए, x का पावर n, y बराबर x का पावर n, तो dy/dx का क्या हो जाता था वैल्यू, n बाहर आ गया, x का पावर n-1, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या था 1/2, तो 1/2 को हम लोगों ने बाहर किया और इसमें 1/2 में एक हम लोगों ने घटा दिया। लेकिन यहाँ पे एक स्टिफ चैन रूल क्या बोलता है, क्या एडिशनल आएगा कि जिसका जो पावर है, जिसका पावर अभी ये जो आंसर है ये पावर को हम लोगों ने सॉल्व किया इसके नाम पर है चैन। अब इसके अंदर वाला जो है पोर्शन उसको सॉल्व हम लोग करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2x + x², तो 1/2 × 2x + x² का पावर 1/2 - 1। कभी भी आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका -1/2 आएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से अभी समझेंगे। तो dy/dx ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम लोग dy/dx ऑफ 2x + dy/dx ऑफ x² राइट। अब हम लोग ये बात याद रखिएगा, जब भी रूट अंडर का आपको डिफरेंशिएशन दे कुछ भी रहे रूट अंडर का, तो हम लोग उसको लिखते हैं 1/2 √ जो भी अंदर में है रूट अंडर उसको लिख देना 2x + x² कैसे,
तो यहां से समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा, यहां पे आया है ये, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो नीचे में 2 आएगा, 1 minus 2, तो 1 minus 2 that will be minus 2, minus 1, minus 1 by 2, तो अब यहां पे पावर क्या है minus 1 by 2, और जैसे ही नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x plus x square का पावर 1 by 2, और उसी को तो हम लोग लिखते हैं root under वो, तो जब भी आपको root under कुछ भी का differentiation करने बोला जाए तो 1 by 2 root under कुछ भी वहां पे लिख देना है, फिर कुछ भी जो होगा उसके जगह पे उसका भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देना है। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो देन प्लीज बताइएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि रूट अंडर कुछ भी यहाँ पे दे, सपोज करिए x क्यूब, तो सबसे पहला चीज जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 1 by 2 रूट अंडर x क्यूब ये तो आएगा आएगा, एंड देन आपको जो अंदर में रूट अंडर के अंदर में उसको फिर से सॉल्व करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। कैसे होता है मैंने इसके थ्रू समझाने का कोशिश किया कि इसको यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया माइनस वन बाई टू, जैसे ही हम लोग फिर यहाँ पे पावर नेगेटिव में है तो वन बाय इतना का पावर पॉजिटिव लिखेंगे, एंड देन दैट पावर वन बाई टू को हम लोग रूट अंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया था रूट अंडर को 1 बाई टू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1 बाई टू को फिर से हम लोग रूट अंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x 2 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो 2 बाहर आएगा एंड इट विल बी x, अब बात समझते हैं 1 by 2 रूट अंडर 2x प्लस x स्क्वायर इनटू 2, यहां से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या बच जाएगा 1 प्लस x, नाउ 2 2 विल कैंसिल ईच अदर एंड द आंसर दैट वी विल गेट विल बी 1 प्लस x बाय 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी आप मैथ बना रहे हो तो क्वेश्चन का कुछ अंत नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे कि आपको कितना बनाने का मन है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है देन आप पूरा मजा लोगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, अब इतना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का मजा लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट नहीं होगा देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज आपको अभी फर्स्ट ईयर में अगर आप ये पढ़ रहे हो तो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर स्टैट सारे चीज को आपको सॉल्व करना है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो थोड़ा सा आपको तैयार होना होगा, अगर आप नहीं भी चाहो फिर भी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, हरदम एक नया कंसेप्ट एकदम सीखना है, अगर आपको नहीं आ रहा कोई समस्या नहीं है, बट सीखना है, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो देन दैट इज अ प्रॉब्लम। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कम से कम उतना आपको आना चाहिए, फिर नया क्वेश्चन ट्राई करो देखो आता है या नहीं। अपने से क्वेश्चन पूछे कि कहाँ पे चैन रूल लगाएंगे कहाँ पे नहीं लगाएंगे, ये सब कुछ बेसिक चीज आपको करते रहना होगा अपने आप से। अब यहाँ पे निकालना क्या डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहला चीज क्या देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है और पावर क्या वन नहीं है, पावर कुछ और है, तो यहाँ पे क्या लगेगा चैन रूल। तो हम लोग पहले पावर को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं पावर जैसे सॉल्व होता है, पावर को पहले बाहर लाएंगे और पावर में एक घटा देते हैं, तो इसका पावर था माइनस फोर तो माइनस फोर माइनस वन अब हो जाएगा, लेकिन और क्या होगा तो डी वाई डी एक्स ऑफ जिसका पावर था उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, बस यही क्या बोलता है चैन रूल कि पावर को पहले सॉल्व करो फिर उसको डिफ्रेंशिएट करो, जिसका पावर है उसको एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फोर इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स का होल माइनस फाइव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सारे टर्म का इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन करना होगा, तो थ्री यहां पे बाहर आ जाएगा बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा टू एक्स प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 6 6 इज अ कांस्टेंट सो द डिफरेंशिएशन विल बी 0, क्या हो जाना है ये माइनस 4 इनटू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 का होल माइनस 5 इनटू 6x प्लस 2, ठीक है आप यहां से 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा अगर हम लोग कॉमन ले ले तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 का पावर माइनस 5 इंटू 3x प्लस 1,
ये जो 2 है और माइनस 4 है वो मिलके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके माइनस 8 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इंटू 3x प्लस 1। लेकिन अगर आप यहां तक नहीं ला सकते हो तो आप बेसिक यहां पे इतना करके आपको छोड़ना है, लेकिन इतना तो कुछ जरूर करना हो, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको बताने का जरूरत है, जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग बेसिक वैसे हम लोगों ने किया। कुछ और मजेदार क्वेश्चन आएगा उसको आपको पेशेंस के साथ समझने का जरूरत है। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाओगे देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दोस क्वेश्चन। सो आराम से समझते हैं उन सारे को। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वाई बराबर रूट अंडर वन प्लस एक्स बाय वन माइनस एक्स, राइट। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कहाँ पे चैन रूल अप्लाई होगा। चैन रूल तो ऑब्वियसली अप्लाई होगा, तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करते थे, dy by dx जब u by v कोई भी दो डिवीजन के फॉर्म में रहता था तो हम लोग क्या करते थे, पहले नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला जो टर्म रहता था नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ऊपर में नीचे वाले जस्ट लिखते थे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या है रूट अंडर वन प्लस एक्स माइनस देते थे। अब यहाँ पे जिसका डिफरेंशिएशन हमने किया था उसका उसको ऐसे ही लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया था हम लोगों ने उसका हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर आपको मैं बता क्या रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज बेसिक देखिए। y अगर इक्वल टू यू बाई वी है तो dy by dx क्या हो जाएगा हमारा, dy by dx बराबर नीचे भी नीचे जो रहेगा उसका स्क्वायर नीचे वाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस, अब यहाँ पे ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन हमने किया तो अब हम लोग क्या करेंगे ऊपर वाले को हम लोग लिखेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। सो दिस इज द पैटर्न व्हेन देयर विल बी टू डिफरेंट टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। सो कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा यही उसका एक पैटर्न है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dy/dx को अब सॉल्व कैसे करना है वो थोड़ा सा मजेदार है। यहीं पे अब आपको एक नया चीज सीखना है या फिर सीखना है कैसे चैन रूल को अप्लाई किया जा रहा है। तो देखिए सिंपली 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस एक्स रहेगा, dy/dx ऑफ रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 1/2। मेरे को तो इसी का डिफरेंशिएशन करना है, जब भी रूट अंडर दे या कुछ भी क्यूब रूट दे तो आपको सबसे पहले उसको पावर के रूप में लाना है, माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स इन टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx ऑफ 1 माइनस dy/dx ऑफ एक्स, राइट। नीचे में जो था उसको वैसे ही रहने देते हैं, क्या था 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करते हैं, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स तो रहेगा ही रहेगा इनटू d, इसको अब कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो टर्म है और पावर एक नहीं है कुछ और है, तो हम लोग जस्ट जैसे सॉल्व कर देते पावर को बाहर लाए और पावर में पहले एक घटाएंगे 1/2 - 1, फिर पावर का हम लोग करते थे मतलब जिसका पावर है उसको डिफ्रेंशिएट करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स इन टू 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 बिकॉज 1 इज अ कांस्टेंट, माइनस x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस x इन टू 1/2, तो 1 प्लस x का पावर 1/2 - 1, इसको मैंने जस्ट बताया था 1/2 होता है इनटू, यहाँ पे फिर से देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 एंड 1 इनटू एनीथिंग दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट। सो हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा कर रहे हैं, जगह कम हो रहा है, माइनस रूट अंडर एक्स प्लस माइनस 1, 0 माइनस 1 विल बी माइनस 1 एंड माइनस 1 इनटू दिस दैट विल बी प्लस दिस बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो आई होप मैं इसको मिटा सकता हूं ताकि मैं आगे आपको और
सिंपलीफाई करके बता दूं कि आंसर क्या होना है इसका, कैसे और आपको सॉल्व करना है। तो आप हम लोग जब इतना कर लेंगे डीवाई बाई डी एक्स, आगे देखते हैं क्या करना है। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाई टू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस एक्स, नीचे आएगा तो पावर 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई टू हो जाएगा, उसी को हम लोग रूट अंडर 1 प्लस एक्स लिखते हैं, प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब आगे और क्या लिखेंगे हम लोग, तो 1 माइनस एक्स बाय 2 रूट अंडर एक्स, 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है, डीवाई बाय डी एक्स है, राइट। इसको और फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2 रूट अंडर एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स। सो इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 1 माइनस 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय, यहाँ पे मैंने एक स्टेप छोड़ दिया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो नीचे में था उसको मैंने छोड़ दिया था, वो भी लिखाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 2 एक्स, तो प्लस 2 एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस 2 एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे स्पेस का कमी है इसलिए मैं पूरा और अच्छे से आपको नहीं बता पा रहा, बट आप करके देखिएगा, आ जाएगा आंसर 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अब इसको रहने देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो वहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर, यहाँ पे 1 बाई टू है और वहां पे 1 रहेगा, तो एड होके 3 बाई टू हो जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स, बट उसको अब उतना छोड़ दीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है तो दिक्कत हो जाना है, ठीक है। तो आप देखो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करोगे, आंसर हमारा मेन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 बाय 1 बाई टू इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स का होल 3 बाई टू इंटू 1 माइनस एक्स। तो आप एक बार अपने से करके देखिए, अगर आपको आ रहा है तो बहुत बेटर है, नहीं आ रहा है तो बताना है, फिर से कभी इसको मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं जो कि बिल्कुल सेम है, तो आप इसको एक बार बनाने का कोशिश कीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, देन आप बनाइएगा उसको अपने से, खुद से एक बार ट्राई करना है। y बराबर x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करिएगा। इसका अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो मुझे लगता है आंसर मैं आपको बता देता हूं, आप थोड़ा सा लॉन्ग में बनाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं आपके लिए इसको बनाने का, तो हम लोग dy बाय dx कैसे निकालेंगे, फिर उसी फॉर्म में निकालेंगे dy बाय dx, क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाला रूट अंडर 1 माइनस एक्स है तो इसका स्क्वायर, फिर नीचे वाले को जस्ट उतारना है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऊपर वाला, तो कर दिए ऊपर में x था माइनस, अब ऊपर में किए हैं तो ऊपर वाले को लिखे इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स, वो रूट अंडर 1 माइनस एक्स और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, कभी भी आप डिफ्रेंसिएशन करो रूट अंडर का, तो मैंने अभी क्या बताया था, मैं इससे पहले वाले में भी शॉर्ट में बना सकता था, बट मैंने कोशिश किया कि आपको इसमें पूरा बताऊं ताकि दूसरे में आपको इजी हो,
इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई टू रूट अंडर, जो भी है रूट अंडर के अंदर 1 माइनस एक्स इनटू, एक बार फिर से अंदर वाले का हम लोग जनरल क्या कहता है, अंदर वाले का एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस एक्स बाय टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स इन टू। यहां पे डिफ्रेंसिएशन थोड़ा ध्यान से करिए, 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 रहेगा और माइनस 1 इन टू जो भी है तो वो क्या हो जाएगा प्लस 1। तो यहां पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, प्लस इतना बाय रूट अंडर का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाई 2 का होल पावर 2। यहाँ पे रूट अंडर को हम लोग ने फ्रैक्शन के रूप में तोड़ दिया, दो दो कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा, तो अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स एलसीएम में आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू और रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाय नीचे में क्या रहेगा तो 1 माइनस एक्स, 2 कैंसिल हो गया पावर हमारा। तो अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग आंसर लाना चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर देखिए 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स, 2 रहा बाहर में, रूट अंडर इतना इंटू रूट अंडर इतना क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, जो अंदर में रहता है वो हो जाता है प्लस एक्स बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाय 1 माइनस एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 माइनस 2x प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाय 2 इंटू इसका पावर क्या है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और रूट अंडर के पावर को हम लोग 1 बाय 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट वही किया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाय 2 के फॉर्म में लिखा और अब क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 3 बाय 2। तो ये है एक्सपोनेंट का नियम कि जब भी बेस सेम होता है पावर एड हो जाता है। तो जस्ट यहाँ पे 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 बाई 2 है, तो दोनों एड होके क्या हो गया 3 बाई 2। तो मोर और लेस मैंने इसको भी आपके लिए बता दिया ताकि आप बनाओ तो बन जाए एंड आप फिर से ट्राई करें। एंड टाइम का थोड़ा यहाँ पे इश्यू है कि वीडियो में ज्यादा देर का लंबा डाल नहीं सकता, फिर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, आप ही कंप्लेन करते हो, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना शॉर्ट में आपको बता पाऊँ, अच्छे से बता पाऊँ, उतना आपको बेटर वे में बता दूँ। ठीक है, कुछ एक और क्वेश्चन है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 और एक क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का होल 5। तो आपको कैसे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जानबूझ के फिर से दो लिया क्योंकि लास्ट पोर्शन हमारा, मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कहाँ आपको चैन रूल लगाना है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक से ज्यादा टर्म है बट पावर अगर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, इस पूरे का होल का पावर 1 है। तो जहां भी होल का पावर 1 देखिए आपको वहां पे चैन रूल लगाने का कोई जरूरत नहीं है। उसको हम लोग सिंपल वे में कैसे सॉल्व करेंगे, सारे इंडिविजुअल टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें पूरा वाई का डिफ्रेंसिएशन मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हमारा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x 5 हो जाएगा एंड 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे होल का पावर 5 है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चैन रूल लगेगा और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे। तो पावर क्या, 5 बाहर आ जाएगा इनटू, पावर में क्या होता है एक घट जाता है तो 5 में 1 जाएगा 4 हो जाएगा एंड जिसका पावर है उसको हम लोग क्या करते हैं फिर से डिफ्रेंसिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अंदर वाले टर्म को एक बार फिर से हम लोगों ने डिफ्रेंसिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अब क्या हो जाना है 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का होल 4 इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x और 5x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 5।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने अब मैं आप इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने बेसिक आपको क्लियर होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है देन ये कैसे मैं लिख रहा हूँ ये भी नहीं समझ में आएगा, तो प्रॉब्लम है क्योंकि इसको लिखने का पैटर्न होता है। जो भी टर्म रहता है उसका सारा का इंडिविजुअली कर दिया जाता है डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। तो वही मैंने शॉर्ट में करके यहाँ पे आंसर बताया कि एक्स स्क्वायर का पावर दो है तो दो बाहर आ गया और पावर में एक घट गया तो एक्स हो गया, 5x का 5 हो गया, 1 का 0 हो गया, तो आंसर क्या हो गया 2x plus 5। सो आई होप आपको कुछ कुछ बेसिक क्लियर हो रहा होगा एंड अगर आपको कहीं भी समस्या आ रहा है देन आप मेरे से फ्रीली बात कर सकते हो, बता सकते हो, जो भी समस्या होगा हम लोग उसको एक प्रॉपर वे में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, बट ट्राई करना बताने का एंड क्वेश्चन आपस में बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का रेयरली आपको वीडियो मिलेगा, बट जब कोशिश किया जा रहा है कि मैं आपको दूं तो आपको भी कोशिश करना है कि अपना बेस्ट देना है एंड वी आर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सो वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू गिव बिकॉज बेसिक चीज हम लोगों को पढ़ाया जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, तो अपना बेस्ट देना है फिर देखते हैं कितना आता है कितना नया आता है वो तो दूसरा बात हो जाएगा, तो अपना बेस्ट दीजिए एंड आई होप यू विल गिव योर बेस्ट और आप बनाइएगा भी अच्छे से। सो टेक केयर एंड ध्यान रखिए अपना। Bye-bye.